नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर पद्धति या सुव्यवस्था के कारण आज पीस पब्लिक स्कूल ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। अभिभावकों के दिलों में विश्वास की बुनियाद स्थापित करने में पीस पब्लिक स्कूल ने सफलता हासिल की है, जिसके कारण स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इलाके के लोगों की पहली पसंद बन चुकी पीपीएस में नामी गिरामी स्कूलों से निकाल कर अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने पर अधिक जोर दे रहे हैं। चूँकि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों पर विशेष कर शिक्षा के अलावा खेल, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, सामाजिक दायित्व आदि पर विशेष ध्यान देता है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में हर क्षेत्र में सफल होने की काबिलियत आ जाती है। न्यामतपुर नूरनगर स्थित पीस पब्लिक स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम टहरम मैदान में रविवार को हुआ। इसके तहत देवी मंदिर से स्कूली बच्चों ने शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए एक रैली भी निकाली, जो कार्यक्रम स्थल तक जाकर समाप्त हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया गया। स्कूल के निदेशक इंतखाब आलम ने बताया कि बच्चों में शिक्षा के साथ ही खेलकूद का भी अहम रोल होता है, ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बन जाए, जिसे लेकर स्कूल प्रबंधन हमेशा क्रीड़ा पे विशेष ध्यान देता है। मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब वाला। अच्छा, आप स्कूल किस पोस्ट में हो? मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ। आज आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ अपना एनुअल है, एनुअल स्पोर्ट्स कर रहे हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? 600 समथिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों का टैलेंट कैसा लगा? टैलेंट देख करके बच्चों का टैलेंट तो भरपूर है, वो लोग जोश से भरे हुए हैं। आज उन लोगों का स्पेशल डे है, आज वो बस ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को आज खेलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है किसी भी बच्चे के लिए। साल भर पढ़ाई करके बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, और स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी। हम लोग सुबह में एक प्रोसेशन भी निकाले थे, जो आज के जो देश का स्थिति है, आपस में सभी लोग लड़ रहे हैं, सब जितने भी पार्टी है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सब आपस में हम लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू सेव फ्रॉम देम द ऑर्चुनेट, वी हैव गिवन द मैसेज। प्रोसेशन भी निकाले थे, उस प्रोसेशन में हम लोगों ने सारे लोगों को एक होने का संदेश दिया। अच्छा, और जो कौन हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे के पास टैलेंट है, जी जी, उसके लिए फ्यूचर में क्या प्रोग्राम आपका? टैलेंट जैसे हमारे यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है बच्चों को, ताकि बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे ना रहे। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अलग अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले इस फुटबॉल का जो है आयोजन किया था, उससे पहले लड़कियों की कबड्डी किया था, लड़कियों का हॉकी का भी इंतजाम हम लोगों ने कर रहा है अभी, और क्रिकेट का ऑलरेडी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। पीस पब्लिक स्कूल वर्सेस 3-4 और स्कूल्स हैं, इंटर स्कूल चैंपियनशिप, तो हर तरह के एक्टिविटीज़ में हम लोगों को बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हम लोग इन दोनों देख रहे हैं कि बंगाल से कोई टैलेंट उभर नहीं पा रहा, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट। हाँ, हो, बिल्कुल, एथलेट्स को एकदम, तो एकदम उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, आपका एकदम बात कहना सही है, यही चीज हम लोग देख रहे हैं कि टैलेंट बंगाल से उस एंगल की तरफ नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है डांस की तरफ जा रहा है या सिंगर में है, लेकिन जो टैलेंट पहले आज से 2 दशक पहले, मैंने 20 साल 10 साल पहले हाँ नहीं देख पा रहे, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ करने का सोचा है, इसीलिए हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को खिलाने का सोच रहे हैं। सुमन माझी जो है हम लोगों का बहुत हेल्प करते हैं, वो हम लोग कैंप भी ले जाते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं। सुमन माझी जो यहाँ पे भी कैंप लगाते हैं, स्कूल में भी आते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्चे जो है इस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े। आज हम लोग ने स्पोर्ट्स में देखा कि बच्चे के पास बहुत टैलेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत टैलेंट। तो क्या आपने सोचा था कि आपके बच्चे के पास इतना टैलेंट है ना, आज आप भी देख रहे हो? नहीं, बच्चे ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तकरीबन 15-20 दिन से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक रंगारंग कार्यक्रम है डांस में हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि बॉर्डर के जो सिपाही है, वो सिपाही का जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स दिखाने के डांस के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखा कि आपकी जो टीम है, आप लोग टीम
वर्क टाइप का काम करे, एक यूनिट बोल काम कर रहे हैं, टीम की तरह काम कर रहे हैं, टीचर प्रिंसिपल, तो वो जो टीचर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है? मैं अपने सारे टीचर्स और बैठे हुए जितने ऑडियंस है सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों के स्पोर्ट्स में आप लोग आए और इस मैसेज को सभी जगह पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था, क्योंकि अगर किसी भी चीज को जागरूक करना है तो मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वो उसको अच्छा भी बना सकता है बुरा भी बना सकता है। तो इसीलिए मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सुबह से मीडिया लगे हुए हैं, प्रोसेशन भी बहुत मीडिया साथ में थे, तो इसलिए ऑडियंस और टीचर्स का स्पेशली मैं तो उन लोगों के लिए क्लैपिंग करूँगा, सारे टीचर्स के लिए बहुत हेल्प किया है, हेल्पफुल टीचर्स है, खाना पीना कुछ नहीं देखते हैं, 15 डेज से लगे हुए हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएं और आप लोग जो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं वो आपका वर्क टुगेदर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा नाम शिव प्रसाद राउत, निक नेम चुनचुन राउत। अच्छा, आप तो एक्स काउंसलर भी हैं। एक्स काउंसलर कुटुल नगर पालिका का, हम एक्स काउंसलर थे 1999 to 2004, ये मेरा पीरियड था। आप एनुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? ये पीस पब्लिक स्कूल से हर साल एनुअल स्पोर्ट्स होता है और हर साल हम पार्टिसिपेट करते हैं, और आज मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, और ये मैंने इतने अच्छी तरीक़े से लोग मैंने स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं कि जिसमें जितना अभिभावकगण भी शामिल होते हैं, यहाँ लोकल जितने भी आदमी हैं सब इसमें शामिल होते हैं, और क्या है कि यहाँ पर बच्चों लोग का जो है टैलेंट है, बहुत तरह का टैलेंट हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत तरह का टैलेंट यहाँ पर है, जो कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान हमारी तरक्की में है, एवं हमारे जो मुस्लिम भाई लोग का भी जो बहुत देखते हैं, बहुत एडुकेशन के ऊपर बहुत जोर है, ये कोड एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं ये लोग, बहुत मैंने बहुत ही उसके मैंने गार्जियन लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, हम देखते हैं हमारे ख्याल से और अदर कास्ट से, लेकिन वो कुछ दिनों में आगे निकल जाएंगे पढ़ाई लिखाई में, ये बहुत ज़रूरी भी है। ये डांस कौन सिखाया? ये साहिन मैम सिखाई है। साहिन मैम सिखाई? यहाँ पे परफॉर्मेंस करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। परवीन, आप स्कूल किस पोस्ट में हो? मैं टीचर इंचार्ज हूँ स्कूल में। अच्छा, हम लोगों ने बच्चों से पूछा अजलपुर अफगान के पापा थोड़ा जी, ये चीयर लीडिंग ये न्यू हम लोग करने वाले हैं इस एरिया में, हम लोग हमेशा क्रिकेट फुटबॉल ये सब में चीयर लीडिंग देखते हैं, आज तक किसी भी स्पोर्ट्स में हम लोग ये नहीं देखे, तो ये हम लोगों का न्यू इन्वेंशन है कि हम लोग अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में चीयर लीडिंग डांस करें। कंसेप्ट कैसा आया आपके दिल में? कंसेप्ट ये तो ये अचानक से आ गया, बस हम लोगों के स्कूल के प्रोग्राम को हमको बहुत ही अच्छा उम्दा करना है, ताकि लोग जो है यहाँ आकर देखे कि हमारे स्कूल में हर एक चीज की एक्टिविटी की जाती है, ये तो वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो करते हैं और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको भी फॉलो करते हैं। कितना टाइम लगा मुन्ना की मम्मी जहाँ भी है? बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, ज्यादा वक्त नहीं है बच्चों को, ये हम लोग की प्रिपरेशन जो है वो 2 महीने से चल रही है, 2 महीने से ये प्रिपरेशन चल रही है। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग योर थर्ड एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में सभी तरह के मतलब डिफरेंट डिफरेंट का पार्टिसिपेट यहाँ पे करें, जैसे स्पून मार्बल है, थ्रेड एंड नीडल है, जंपिंग रेस है, और अदर एक्टिविटी में आप देखेंगे कि ड्रिल है, डांस है, पिरामिड है, मार्शल आर्ट है, और भी बहुत सारा के प्रोग्राम जो हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे सभी करें, इसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपने टैलेंट को शो करें। इस टैलेंट के जरिए हम ये पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे भी हो सकते हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो अपने आप को दर्शा सकते हैं।